नमस्कार, मैं हूं चौधरी और आप देख रहे हैं चौधरी जी गेमिंग। तो सबसे पहले ये बताऊं, सब बढ़िया ना? तुम लोगों ने थंबनेल में और स्टार्टिंग में तो देख ही लिया होगा कि कैसे मेरे सारे के सारे टीममेट एक एक करके मर जाते हैं और यहाँ पे मैं बचता हूँ बस अकेला। और मेरे सामने थी भाई पूरी की पूरी स्क्वाड, तो क्या मैं वहाँ पे चिकन डिनर निकाल पाऊंगा? लेकिन उससे पहले हम लोग उतरे थे मिडस्टीन में और यहाँ पे मेरे साथ उतरी थी एक स्क्वाड। अब यहाँ पे मैंने दो बंदे नॉक किए। अब इसका जो तीसरा वाला बंदा था वो भी बहुत ही ज्यादा चौड़ में आया मेरे से फाइट लेने के लिए। अब बस इन लोगों की फटके हो गई 64 नहीं 128 हो गई होगी, क्योंकि बचा था इनकी स्क्वाड का बस लास्ट वाला बंदा। अब वो यहाँ पे मेरे से फाइट लेने तो आएगा नहीं, वो जाएगा रिकॉल करने। लेकिन मेरे को आ गया इसका फुट स्टेप, तो मैंने बोला इसका पहले ही काम 25 कर देते। लेकिन मेरे जो टीममेट थे उनके पे आ गई थी पूरी की पूरी स्क्वाड, तो मैंने सोचा जाओ छोड़ो यार, तुमको दूसरा मौका दिया मैंने और मैं आ जाता हूँ यहाँ पे मेन बिल्डिंग वाले बंदों से फाइट लेने के लिए और मैं करता हूँ इन लोगों पे फोकस। लेकिन इन लोगों ने पहले से ही मेरे पे फोकस कर रखा था, आप कैसे देखो। और यहाँ पे हो गया मैं नॉक। अब मेरा जो टीममेट था 4 नंबर वो गया पहले फाइट लेने के लिए बंदों के पास, तो मैंने उसको बोला भाई एक बंदा नॉक करके आ जा प्लीज यार, मेरे को दे दे रिवाइव। और जैसे ही ये आया मैंने इसको बोला भाई रहने दे, मत आ ये नेट फेंक रहा है मेरे पे। अरे मत आ भाई क्यों आया तू? चलो तो जब तक मैं रिकॉल हो रहा 20K पे मैंने किया था Q&A जिसमें मैंने बहुत सारे बंदों का सवाल लिया था, लेकिन एक बंदे का सवाल लेना मैं रह गया था। तो मेरे को वो बंदे ने भाई मेरी सारी वीडियो पे कमेंट करा कि भाई तुमने सबका सवाल लिया लेकिन मेरा नहीं लिया सवाल। तो उसने बोला कि भाई मेरा प्लीज सवाल ले लो, तो मैं उनका सवाल लेना चाहता हूँ, आ जाओ। तो इसका सवाल था कि आप दिन में कितना हिलाते हो जायरो और हिलाते हिलाते आपका कितना निकल जाता है किल? तो देखो एक दिन में मैं कभी कभी 4 बार हिलाता हूँ, कभी कभी 5 बार हिलाता हूँ, और कभी कभी मेरा मूड हो जाता है ना तो 10 से 12 बार भी हिला देता हूँ, और मैं जायरो की बात नहीं कर रहा। और हिलाते हिलाते मैं इतना थक जाता हूँ कि मेरा खड़ा ही नहीं होता फिर भाई मोटिवेशन की और किल कर पाऊँ तो बस उतना ही रहने देता हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन था कि आप लो एंड डिवाइस में इतना अच्छा कैसे खेल लेते हो? भाई देखो तुमने वो वाली कहावत नहीं सुनी कि टाइम आने पे गधे को भी बाप बनाना पड़ता है? तो मेरे पास इस फोन के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं दूसरे फोन में खेलूं, तो इसी में खेलता हूं। आप कहां तक पढ़े हो? तो भाई मैंने बीकॉम से अभी ग्रेजुएशन किया यही साल। और आपका बर्थडे कब आता? मेरा बर्थडे आता है 7 सितंबर को, मतलब 1 महीने बाद आने वाला है। तो आ जाओ बंदों पे करते हैं फोकस। अब ये वही बंदा था जिसको सबसे पहले उतरते ही मैंने पेला था, लेकिन इसके बाकी के जो टीममेट थे वो लोग यहाँ पे थे नहीं, ये बचा था बस अकेला। तो इसने भाई हार मान ली थी, और इसके बाकी के जो टीममेट थे क्या पता है वो टीममेट थे कि नहीं थे, ये लोग आ गए थे सब रिकॉल टावर पे। और यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा प्रो बनने की कोशिश कर रहा था, जरा देखो। उसके बाद मेरे को थोड़ी देर में पता चल गया कि अपने बस के बाहर की बात है बैरल से आयरन साइड उतनी दूर मारना। तो मेरा टीममेट आ गया था लेके गाड़ी, तो मैंने सोचा गाड़ी लेके करते हैं क्लोजिंग और क्लोजिंग करके बंदों को पेलते हैं। और जैसे ही मैं यहाँ पे आया अब मैं ले रहा था चारों तरफ जायजा कि भाई बंदे किधर हैं किधर है, भाई किधर भी हो सकते हैं कुछ भरोसा नहीं। लेकिन ये था बॉट और बच गया मैं यहाँ पे। अब मैं जाता हूँ वहाँ पे जहाँ पे मैं एक्स्ट्रा प्रो बनने की कोशिश कर रहा था और बंदे को आयरन साइड से मारने की कोशिश कर रहा था, समझ रहे? और यहाँ पे मेरे को दिखता है एक बंदा। अब मैं यहाँ पे इन लोगों पे करता हूँ क्लोजिंग, लेकिन मेरी फट बहुत ही ज़्यादा रही थी, तो मेरे टीममेट ने मेरे को मार्क करा था कि यहाँ पे बंदे हैं। तो मैं घुसता हूँ यहाँ पे एकदम अंधा, और यहाँ पे मैं जैसे ही आता हूँ मेरे को मिलते हैं सारे के सारे नॉक बंदे पड़े हुए थे। लेकिन मेरा एक टीममेट है जो बॉट किलर है बहुत ही खतरनाक, तो उसको बॉट का साउंड आया तो वो चला गया भाई अकेले बॉट मारने के लिए, और वो निकला रियल वाला बंदा और इसको लपेट दिया। अब वो मेरे से ये उम्मीद रख रहा है कि मैं वहाँ पे एक्स्ट्रा प्रो बनने की कोशिश करूँ, समझ लो? लेकिन भाई मैं इतना प्रो नहीं हूँ कि आयरन साइड उतनी दूर मार दूँ। तो मैंने सोचा कि M4 उठाते, इसमें भी M4 नहीं मिली, लेकिन मेरा टीममेट बोलता है इसके अंदर है M4। अब मेरे को यहाँ पे M4 मिली। और यहाँ पे भाई मैं इसको कर देता हूँ फिनिश। और भाई ऐसी पनौती जगह पे मैं फाइट ले रहा हूँ ना, एक तो यहाँ पे रिकॉल टावर सारे बंदे यहीं पे आ जा रहे और बंदे खत्म ही नहीं हो रहे, और क्या पता मैं कौन सी स्क्वाड का कौन सा बंदा मार रहा हूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। बस बंदे नॉक फिनिश कर रहा हूँ, और तभी जहाँ पे मैं एक्स्ट्रा प्रो बनने की कोशिश कर रहा था मेरा टीममेट बोल रहा था बचा ले वहाँ पे आ जाता इसका टीममेट, मतलब सामने वाली स्क्वाड का। और यहाँ पे भाई मैं इसको नॉक कर देता हूँ। अब इसके जो बाकी के टीममेट थे कि क्या थे कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरे को, लेकिन वो लोग आ गए थे यहाँ पे।
अब मेरे को भाई कुछ समझ नहीं आ रहा कौन है, किसकी स्क्वाड है, कौन है, क्या है, कैसा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। बस अब यहाँ पे मैंने जिस बंदे को नॉक फिनिश किया उसका टीममेट आ जाता उसको रिकॉल देने के लिए सामने वाले घर में। तो मैंने मेरे टीममेट से लिया नेड, क्योंकि मैं नेड फेंकता हूँ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, एकदम जहरीला लहरीला, एकदम जबरदस्त, ऐसा तुमको लग रहा होगा, लेकिन एकदम पनौती नेड था भाई। अब मेरे को घुस के ही पेलना पड़ेगा इन लोगों को। बट अब आता है लास्ट वाला सीन, और वो भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाला। आप कैसे देखो, अब लिविक के अंदर बचे थे भाई दो स्क्वाड, मतलब एक हमारी स्क्वाड, एक सामने वाले बंदे की स्क्वाड, और यहाँ पे सीन हो जाता भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। मेरे टीममेटों को वो स्क्वाड मिल जाती है और खड़े खड़े मेरा टीममेट जो है वहाँ पे नॉक हो जाता है। ले दिया। अब यहाँ पे मेरा एक टीममेट को नॉक ही था, लेकिन यहाँ पे फिर से मेरा दूसरा वाला टीममेट नॉक हो जाता और थोड़ी ही देर में मेरे सारे टीममेट नॉक। अब मैं बचा था बस इसकी स्क्वाड का अकेला, मतलब अपनी स्क्वाड का अकेला, और सामने थे चार बंदे। क्या पता मैंने क्यों जंप करा था भाई, मेरे को पता ही नहीं था भाई, मैंने हड़बड़ाई में जंप कर दिया था। लेकिन अगर तुम लोग नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और पुराने हो तो वीडियो लाइक करके कमेंट कर दो। ठीक है, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।